Good morning, dear students. I am Neelam from HDB School, Dingrod, Sirsa. Today we will read the story, The Boy Who Cried Wolf, adapted from Aesop Fables. Aesop Fables से ये ली गई है. Illustrator जो इसके व्याख्यान करता है वो कौन है? धनाश्री सलवी. तो चलो स्टूडेंट्स स्टोरी रीड करते हैं. Once there was a shepherd boy who was bored. Shepherd का मीनिंग होता है चरवाहा. एक बार एक चरवाहे वाला लड़का था. हु वॉज बोर्ड, वह ऊब गया. ही सैट ऑन ए हिल वॉचिंग द विलेज शीप, वह पहाड़ी पर बैठ गया और गांव की भेड़ें देखने लगा. ही थॉट ऑफ प्लेइंग ए प्रैंक ऑन एवरीवन, उसने सोचा कि वह सभी के साथ एक मजाक करेगा. प्रैंक का मीनिंग होता है मजाक करना. He shouted, woof woof. वह चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया. The wolf is chasing the sheep. भेड़िया भेड़ का पीछा कर रहा है. The villager came running up the hill, but when they reached the hill, no wolf was there. सभी गांव वाले भागते हुए पहाड़ी पर आए, परंतु जब वह वहाँ पहुँचे पहाड़ी पर पहुँचे तो वहाँ पर कोई भी भेड़िया नहीं था. द बॉय लाफ्ड, लड़का हंसने लगा. ही हैड मेड ए फूल ऑफ देम, उसने उन्हें मूर्ख बनाया. द विलेजर वेंट बैक इन एंगर, सभी गांव वाले गुस्से से वापस चले गए. नेक्स्ट डे ही शाउटेड अगेन, वॉफ वॉफ वॉफ, अगले दिन वह फिर चलाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया. द विलेजर केम रनिंग अगेन टू हेल्प हिम, सभी गांव वाले फिर से उसकी सहायता के लिए आए. व्हेन दे सा नो वॉफ अगेन, दे गॉट फ्यूरियस, जब वह आए तो वहां पे कोई भी भेड़िया नहीं था. वह बहुत गुस्से हुए. ए वूमन सैड, वी वॉन्ट कम वैन द वॉफ कम्स, एक स्त्री ने कहा हम तब नहीं आएंगे जब कोई भेड़िया आएगा. बट द बॉय जस्ट ग्रीन एट दैम, परंतु लड़का सिर्फ उसे देखता ही रह गया. वन डे ए रियल वॉफ केम एंड हाउल एट द शी, एक दिन सच में एक भेड़िया आया और भेड़ों पर गरजने लगा. द शेपर्ड बॉय स्टार्टेड शाउटिंग वॉफ वॉफ वॉफ, चरवाहे वाला लड़का फिर चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया. बट द विलेजर डिड नॉट कम दिस टाइम, परंतु कोई भी गांव वाला उस टाइम नहीं आया. इन द इवनिंग एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग फॉर द बॉय, शाम को सभी लड़के को तलाश करने लगे. दे फाउंड हिम क्राइंग, वह उन्हें रोता हुआ पाया. देयर रियली वॉज ए वॉफ हेयर, ही किल्ड माई शीप, उसने कहा कि सच में एक भेड़िया यहाँ आया और उसने मेरी शीप को मार दिया. ए मैन सैड नो वन बिलीव्स ए लायर इवन वैन ही इज टेलिंग द ट्रूथ, एक आदमी ने कहा झूठे व्यक्ति पर कोई भी विश्वास नहीं करता चाहे जब तुम सच भी बोल रहे हो. तो स्टूडेंट्स इस जो हमने आज स्टोरी रीड की है, इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. अगर हम झूठ बोलेंगे तो कोई भी हम पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा. तो स्टूडेंट्स डोंट टेल लाई. ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.